वेलकम टू एएसआर जीएलआईएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड एडमिशंस की। स्कूल के बाद जब एसएससी का रिजल्ट आ गया है, अब आप 11th एडमिशन के लिए जब देख रहे हैं, इवन आप कोई और स्ट्रीम से भी जब आपने 10th पास की है और आप मुंबई में कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये 11th एफआईजेसी का सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस से जाना पड़ेगा। और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मुंबई, स्पेशली साउथ मुंबई में कौन सी कॉलेजेस है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं सारे स्ट्रीम्स के लिए, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये हम 2020 की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी साल में जब एडमिशन लोगे तो प्रोसेस यही है। आपको प्रेफरेंस अपनी देनी होती है, प्रेफरेंस लिस्ट, और आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज एलोकेट की जाती है। तो जो आप प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनाते हैं वो ध्यान से बनाना बहुत जरूरी है। तो इनकी वेबसाइट पे एक्चुअली 11th मुंबई 11th एडमिशन की वेबसाइट पे कट ऑफ लिस्ट का एक पूरा एक्सेल शीट डाउनलोड होता है, ये वो एक्सेल शीट है। तो इस एक्सेल शीट में बेसिकली हम देखते हैं कि सारी कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के लिए। आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे देखिए कितनी कॉलेजेस है, ये पूरी मुंबई सबर्ब्स मिला के 1932 कॉलेजेस है। तो इनमें से आपको अपनी लिस्ट बनानी है 10 कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट। और ये प्रेफरेंस लिस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई और उसकी कोई भी उसकी 10 कॉलेज जो आपने डाल दी, उनमें से कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है और आपको एडमिशन बाद में बोलोगे नहीं मुझे इस कॉलेज में नहीं चाहिए, तो फिर आपको आगे के राउंड्स में कंसिडर नहीं किया जाता। तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो फर्स्ट राउंड में आपने ऐसे कर दिया तो आगे के राउंड्स नहीं मिलेंगे, फिर लास्ट में जो स्पेशल राउंड होगा उसमें आपका एडमिशन होगा, तो आपके एडमिशन के चांसेस बुरे हो जाते हैं क्योंकि तब तक स्पेशल राउंड तक तो सारे सीट्स फुल हो गई होगी। तो इसीलिए आप अपनी जो फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट जो आप बनाओगे वो बहुत ध्यान से बनानी है, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और स्पेशली ये मुंबई, साउथ मुंबई स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी स्कूल से हम एसोसिएटेड है, उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये जो लिस्ट है आपको जो डाउनलोड करोगे वो आपको सॉर्टेड भी नहीं है और काफी सारी कॉलेजेस है, तो हमने अपने अंडरस्टैंडिंग से इसके कॉलेजेस को हमने एक सेग्रीगेशन किया है और हम सारे स्ट्रीम्स की बात करेंगे, साइंस की कॉलेजेस की भी, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो साइंस की कॉलेजेस अगर आप देखोगे तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, तो ये 455 आउट ऑफ 500 है। तो अगर आपको 500 में से 455 मिला है, आप अलग स्ट्रीम से भी आपने किया है, अगर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से भी आपने किया है, अगर 10th स्टैंडर्ड दी है, तो आपको अपने मार्क्स को 450 आउट ऑफ 500 कैलकुलेट करना होगा और उसमें आपको अपना कट ऑफ देखना होगा। तो ये देखिए साइंस के लिए टॉप कॉलेज जो है साउथ मुंबई में वो आती है ड्रुइया कॉलेज माटुंगा पे, उसका कट ऑफ है 455। तो अगर आपके मार्क्स इसके अराउंड है और आप ये कॉलेज भरोगे, आपको ये एडमिशन मिल जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में मिल गया, तो बहुत अच्छा, आप खुश हो गए और आगे आपको साइंस की स्ट्रीम के लिए बस इतने में आपका हो जाएगा। उसके बाद आती है राव कॉलेज साइंस में, उसका भी कट ऑफ हाई है 448 है। फिर रुपारेल कॉलेज 441 अगेन माहिम, पेस कॉलेज है दादर, तो ये इनका कट ऑफ दिया है। तो ये फाइनल कट ऑफ है बेसिकली, जो लास्ट राउंड के बाद फाइनली कहाँ तक एडमिशन क्लोज हुए इन कॉलेजेस का वो ये मार्क्स बताते हैं। तो हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में ना मिले लेकिन आगे के राउंड्स में मिल सकता है, तो वो बात है। तो आप ये लिस्ट जो अपनी 10 कॉलेजेस की बनाओगे, इस लिस्ट के हिसाब से ये सॉर्टेड है अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ। सो नंबर वन इज रुइया, देन राव, रुपारेल, पेस, अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ। तो इस हिसाब से आप अपनी 10 कॉलेजेस की लिस्ट बना सकते हैं। जेवियर्स कॉलेज आती है साइंस के लिए, फिर केसी कॉलेज चर्च गेट, सुमाया कॉलेज विद्या विहार, जय हिंद अगेन एट चर्च गेट, एसआईएस, देन कम्स विल्सन एट 401 कट ऑफ। तो आपका अगर कट ऑफ समझो अराउंड 420 है तो आप कैसे अपनी कॉलेजेस भरोगे? तो आप यहाँ से भर सकते हो, जैसे आपको भरना है तो आप स्टार्टिंग में टॉप कॉलेजेस भी डाल सकते हो, उसके बाद आपके कॉलेजेस जो आपको मिल सकते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं, जेवियर्स, केसी, जय हिंद, ये सब आप भर सकते हो। जय हिंद देखिए 418 है, तो अराउंड 420 में आपको शायद ये मिल सकता है, मे बी सोमाया कॉलेज भी मिल जाए, केसी भी मिल जाए, तो आपको अच्छे से लेके आप नीचे जा सकते हैं, केसी, जय हिंद। और आपको अगर जय हिंद तक भरना है तो टॉप 8 या आप टॉप 8 कॉलेजेस भर के भी छोड़ सकते हो, और आपको और भी चलेगी जैसे एसआईएस भी आप ले सकते हैं, तो आप नीचे भी आगे कॉलेजेस भर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 10 के 10 ऑप्शंस भरो, अगर आप टॉप 8 ही भरोगे, जैसे आप 418 तक, अगर आपका 420 है तो आप ज्यादा और नीचे नहीं जाना चाहते, अगर 418 तक ही आप भरते हो तो उसके बाद आपको 418 तक ये नहीं मिलती, तो सेकंड राउंड में आपके अच्छे चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगी, तो आप टॉप 8 भी भर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है जैसे आप देख सकते हैं, ये हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर किया, तो आप ये फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये पूरी हमने 26 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है फॉर साइंस टिल 295। तो आपको कोई कोई जगह पे कॉलेजेस डबल भी दिखेगी, जैसे नेशनल कॉलेज यहाँ पे 350 कट ऑफ पे भी है और नेशनल कॉलेज यहाँ 372 कट ऑफ पे भी है,
तो दोनों कॉलेजेस सेम ही है, बात यह है कि ये नॉट एडेड में अलग कट ऑफ होता है, तो एडेड अनएडेड जो है तो फीस नॉट एडेड में ज्यादा होगी, तो वो हिसाब से कट ऑफ भी अलग होगी, तो ऐसे नाम आपको डबल भी मिलेंगे। खालसा कॉलेज भी अगेन इट कम्स एट 348, तो दिस इज नॉट एडेड, ऊपर भी खालसा कॉलेज है और यहाँ पे नॉट एडेड का भी दिया गया है। थोड़ी कॉलेजेस है वो फॉर गर्ल्स है, तो हमने हाईलाइट किया फॉर वुमेन फॉर गर्ल्स, तो आप उस हिसाब से भर सकते हैं। फिर आता है कॉलेजेस फॉर आर्ट्स, अगर आप आर्ट्स की कॉलेज देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे शुरू होती है टॉप कॉलेज जो आर्ट्स के लिए है, आपको मार्क्स चाहिए 470 आउट ऑफ 500, और सेंट जेवियर्स कॉलेज इन फोर्ट मुंबई इज द टॉप मोस्ट कॉलेज फॉर आर्ट्स इन मुंबई। फिर आती है रुइया कॉलेज, जय हिंद, केसी, रुपरेल, विल्सन, SIES, स्वामी विवेकानंद, सोफाया विच इज ओनली फॉर गर्ल्स, एल्फिंस्टन, खालसा, SNDT अगेन फॉर वुमेन, है ना, कीर्ति कॉलेज वगैरह। आप ये देखिए ये लिस्ट जो है इसमें एक्चुअली बीच में और भी काफी सारी कॉलेजेस है, लेकिन हमने स्पेसिफिक कॉलेजेस पिकअप किया है फॉर योर गाइडेंस। आपको डिटेल चाहिए तो जब आप FIJC की वेबसाइट 11th एडमिशन की मुंबई की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको पूरी कट ऑफ लिस्ट दिखेगी, तो ये पूरी ऐसे कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे, उसमें से हमने स्पेसिफिक कॉलेजेस सिलेक्ट किए। यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस सारा इंक्लूडेड है, अराउंड 1932 कॉलेजेस है, तो ये है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, तो ये आपकी अब आर्ट्स की कॉलेजेस है, तो ये आपके कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पे कॉलेजेस दिए, जैसे आप अराउंड 250 आपका कट ऑफ है तो MD कॉलेज, महाराष्ट्र कॉलेज, तो आप इस हिसाब से अपनी कॉलेज लिस्ट बना सकते हैं कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में, अगर आप ऐसी कॉलेजेस ना डालिए जो आपको लगे कि आपको बेटर कॉलेज मिल सकती है, जैसे अगर आपका कट ऑफ अराउंड 296 है और आपको यू नो गुरु नानक कॉलेज आपको लगता है आपको मिलनी चाहिए, लेकिन आप अगर 296 कट ऑफ से कम वाली भी कॉलेजेस डालोगे तो आपको फर्स्ट लिस्ट में हो सकता है यहाँ मिल गई, फिर आपके आगे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो आप गुरु नानक कॉलेज के जहां तक आप चलेगा आपको बेस्ट कॉलेज आपको लगती है वहां तक की अपनी लिस्ट डालिए, तो ऊपर से लेके नीचे आप कॉलेज लिस्ट ऐसे बनाइए, तो हाँ बेटर कॉलेजेस भी डालिए और थोड़ा नीचे जहां तक आपको फर्स्ट लिस्ट में ही आपको फाइनल एडमिशन आपका वहां हो गया आप खुश हो वहां तक की कॉलेजेस डालिए, मतलब आपका कट ऑफ अगर 310 है तो आप 271 कट ऑफ की लिस्ट की कॉलेज का नाम डालोगे तो आपको मिल जाएगा, ये कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन ये कॉलेज मिलने के बाद आपका स्पेशल राउंड में आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो आपको सेकेंड राउंड में मिलेगी कॉलेज, ऐसा नहीं है फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में बेटर कॉलेज मिलेगा, तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए, बट देन डिपेंड्स ऑन प्रेफरेंस, अगर आप चाहते हो आपको फर्स्ट राउंड में ही कैसी भी एक कॉलेज मिल जाए तो आप कर सकते हो वैसे, पर फिर आगे और इम्प्रूव नहीं होगा ऐसे, तो वही है प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से भरनी है। ये कॉमर्स की कॉलेजेस है, बेस्ट कॉलेज है पोदार कॉलेज इन माटुंगा 464 कट ऑफ, फिर HR कॉलेज एट 462 इन चर्च गेट, जय हिंद, KC, ये सब टॉप कॉलेजेस है, रुपरेल, सुमाया, सिग्नम, SIES, ये सब टॉप कॉलेजेस है फॉर कॉमर्स। हिंदुजा है, तो ये देखिए सुमाया भी दो बार आता है, तो वही है इसमें एक होगा एडेड अनएडेड में वो अलग होता है। फिर खालसा कॉलेज है, एल्फिंस्टन, तो आपके मार्क्स के हिसाब से आप यहाँ पे लिस्ट बनाओगे, अगर आपका मार्क्स अराउंड से अराउंड 336 है, ये यहाँ पे है 330-335 है, तो आप यहाँ तक ही भरिए, या तो एक और जा रहे SIWS तक जाइए बस, ज्यादा आप कम करोगे तो हो सकता है वो कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन ये जो कॉलेज आपके मार्क्स में मिल सकती थी वो आपको जो सेकंड या थर्ड राउंड में मिलेगी वो अब नहीं मिलेगी, तो आपकी टॉप मोस्ट लिस्ट आप ऊपर से शुरू होके लास्ट जो आपके कट ऑफ तक के या कट ऑफ से थोड़ा नीचे तक के आप जा सकते हैं, ऐसे करके अपनी आप लिस्ट बना सकते हैं टॉप 10 प्रेफरेंसेस की। तो पूरा हमने नीचे तक गए है, पूरी कॉलेजेस आपके मार्क्स कितने भी हो, कॉमर्स हालांकि मोस्ट पॉपुलर है, काफी बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो पूरी लिस्ट हमने मुंबई साउथ मुंबई की बनाई है फॉर कॉलेजेस विथ कट ऑफ गोइंग डाउन, ये कट ऑफ के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है, ये देखिए 208 कट ऑफ तक भी आपको मुंबई एरिया में आपको कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो आप इसमें से अपनी लिस्ट बना सकते हैं। तो ये हम आपको दे रहे हैं फाइल डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, थैंक यू। और 2020 एडमिशन के लिए लास्ट डेट्स याद रखिए, 12th अगस्त से जो है आपका पार्ट टू फॉर्म फिलिंग जो है ये ऑप्शन जो आपकी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट फॉर्म फिलिंग आपका शुरू हो रहा है और ये 22nd अगस्त तक आपको कंप्लीट करना है, तो कोटा एडमिशन राउंड इस टाइम पे होगा, जीरो राउंड जो मैनेजमेंट इन हाउस माइनॉरिटी एडमिशन होगा वो पहले होगा, तो उसकी लिस्ट भी बाद में ही लगेगी, ये देखिए 23rd अगस्त से फिर 25th अगस्त तक ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर जूनियर कॉलेज एलोकेशन जो होगा शुरू हो जाएगा, राउंड वन शुरू होगा 30th अगस्त से, और 31st से आप अपना एडमिशन कंफर्मेशन कर सकते हैं,
31 अगस्त टू 3rd सितंबर तक का टाइम दिया है ऑनलाइन कंफर्मेशन, जो भी आपको करना है। आपको रिजेक्ट करोगे तो स्पेशल राउंड तक जाओगे, आप फर्स्ट राउंड में जो भी मिला उसे रिजेक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट करोगे तो स्पेशल राउंड पे पुश किए जाओगे, उसके बाद बीच में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बीच में एडमिशन चाहिए मतलब फर्स्ट राउंड में आपका नाम नहीं आया तो आपके सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में नाम आएगा और आपके चांसेस इंप्रूव होते हैं डिपेंडिंग ऑन। आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कुछ अजीब ही नहीं बनाई है जिसमें आप बहुत अच्छी कॉलेजेस ही भरी है जिसमें आपके मार्क्स में एडमिशन नहीं मिल सकता, ऐसी लिस्ट नहीं बनानी है। तो सब कुछ निर्भर करता है आपने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई है उसके ऊपर कि आपको किस राउंड में कैसे एडमिशन मिलेगा। तो ये ध्यान से भरिए। तो 31st to 3rd सितंबर तक का फर्स्ट राउंड है 2020। फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन कन्फर्म करना है या रिजेक्ट भी करना है तो स्पेशल राउंड तक रुकना है फिर। तो ये होगा, उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट जो लगेगी उसका डिटेल्स बाद में दिया जाएगा। तो यही है, थैंक यू। और आपको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है कैसे हम एडमिशन ले, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।